सो so नेक्स्ट हमने वेक्टर स्टार्ट किया था वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट्स हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए हैं सो नेक्स्ट इज नाउ ट्रिपल प्रोडक्ट्स सो ट्रिपल मीन्स थ्री सो दैट मीन्स नाउ वी विल बी मल्टीप्लाइंग द थ्री वैक्टर्स सो देर आर टू वेज टू मल्टीप्लाई थ्री वैक्टर्स अ प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग थ्री नॉन ज़ीरो वैक्टर्स इज नोन एज अ ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री वैक्टर्स दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स वन इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड अनदर इज़ वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो जैसे यहाँ पर आपके पास एक वैक्टर प्रोडक्ट था और स्केलर प्रोडक्ट था सो स्केलर प्रोडक्ट में आपने ये देखा था कि जब आप दो वैक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लेते हो तो आपका जो आंसर आता है वो स्केलर आता है ऐसे ही वैक्टर प्रोडक्ट में जब आप प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स लेते हो तो आपका जो आंसर आ रहा था वो वैक्टर आ रहा था म विल बी ट्रू फॉर द ट्रिपल प्रोडक्ट्स जब हम थ्री वैक्टर्स लेंगे तो अगर थ्री वैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर है वो स्केलर आ रहा है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड इफ द आंसर इज अ वैक्टर दैन इट इज नोन एज द वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इफ ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो वैक्टर्स देन द ट्रिपल प्रोडक्ट ए करॉस बी तो आपने दो वैक्टर्स का लिया क्रॉस प्रोडक्ट तो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि वेक्टर प्रोडक्ट तो आंसर विल बी अ वेक्टर अब इस वेक्टर प्रोडक्ट का जब आप थर्ड वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आंसर विल बी अ स्केलर सो आई एम रिपीटिंग अगेन इफ ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स देन द ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट सी विच गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इसकी जो इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि अगर आपने दिस इज़ वैक्टर ए दिस इज वैक्टर बी कहाँ लिए इन्होंने इस साइड लिया सो दिस इज वैक्टर ए दिस इज वैक्टर बी एंड दिस इज वैक्टर सी रिमेंबर दिस इज़ थ्री डायमेंशनल सो दिस इज वैक्टर एक्स एक्सिस दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस एंड ये जो वैक्टर बी है इट इज़ एक्चुअली अलॉन्ग दिस साइड लाइक दिस सो दिस इज वैक्टर सी वैक्टर बी जो इन्होंने लिया है ठीक है सो वैक्टर ए बी सी से आप देख रहे हो ये एक आप पेलेलोग्राम बना सकते हो सो दैट ए बी सी वी थ्री नॉन जीरो वैक्टर्स एंड कंसिडर अ पेरलेलो पेपर्ट हु को टर्मिनस एज इज आर एलोंग दीज वैक्टर्स को टर्मिनस मतलब ये है कि ये जो हमने ए बी और सी लिए दे आर ऑल टर्मिनेटिंग एट ओ सो को टर्मिनस एंड लेंथ ऑफ दीज एजीज आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली तो वैक्टर ए so, की डायरेक्शन तो इधर है तो ओ ए की लेंथ कैसे डिसाइड किया हमने बाय टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ए सिमिलरली ओ बी लेंथ हैज बिन डिसाइडेड बाई टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर बी एंड ओ सी इज द लेंथ विच इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर सी दैन वी वॉल्यूम ऑफ दिस पेललोपिपिड is taken as positive let p be a vector which is perpendicular to both the vectors a and b such that p is equal to a cross b this vector p is perpendicular to the face obda so obda so ye vector a vector b a or a vector b hai or you will vector a cross b hota hai, that is perpendicular to both so that will be perpendicular to this face ओ बी डी ए सो इस फेस के प्रपैंडुलर कहीं पे भी हो सकता है वैक्टर बी साइड सो so, उसको उन्होंने स्मॉल पी नाम दे दिया है देर फॉर द एरिया ऑफ फेस ओ बी डी अब देखो ओ बी डी ए का जो एरिया दैट विल बी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स गिव्स यू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल नाउ द वैक्टर पी मेक्स एन एंगल थीटा विद वैक्टर सी सो so, हमने सपोज कर लिया इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद वैक्टर सी देन द प्रिपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी टू द फेस ओ बी डी ए इज़ ओ सी कॉस थीटा विच टेक्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन अकॉर्डिंगली एज एंगल थीटा इज एक्यूट और एपट ऑपट्यूज दस द वैक्टर्स ए बी सी फॉर्म अर राइट हैंड ट्राइड इफ़ थीटा इज एक्ट अदरवाइज विल फॉम अर लेफ्ट हैंड ट्राइड सो इसको ज़्यादा डिटेल में आपको समझने की ज़रूरत नहीं है आपने सिर्फ इतना याद रखना है इसमें कि ये जो हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी डॉट सी If A B C are the co edges of a parallelepiped, then this scalar triple product gives us the volume of this parallelepiped. So this is all what you have to remember, and this is the geometrical interpretation that A B C vectors are represented by the three edges of this parallelepiped, or cuboid, we So.

अगर हम लेते हैं एक तो ये ध्यान रखना है आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे डिनोट करते हैं ए बी सी सो ए बी सी का मतलब है ए क्रॉस बी डॉट सी सो इसमें आप साइक्लिक रोटेशंस कर सकते हो साइक्लिक रोटेशंस का मतलब ये है इन द एंटी क्लाक वाइज डायरेक्शन देखो क्लॉक हमारे इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन क्लॉक हमारी चलती है ऐसे ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं इसी तरह से इसी क्लॉकवाइज मोड को फॉलो करते हुए ऐसे फॉलो करते हुए अगर मैं सी को इधर ले आऊँ बी को इधर ले आऊँ तो ए इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा बी क्रॉस सी डॉट ए फिर से इसको क्लॉकवाइज करो तो इधर आ जाएगा सी इधर और बी इधर तो ये बना सी क्रॉस ए डॉट बी फिर से क्लॉकवाइज करो तो बी इधर ए इधर और सी इधर तो फिर से ये आ जाएगा So, they are all same. They will be giving you the same answers. So, A cross B dot C is equal to B cross C dot A is equal to C cross A dot B. So, we conclude that the scalar triple product is independent of the position of the dot and cross but depends on the cyclic order of the vectors. And therefore, dot and cross may be interchanged. So, here A cross B dot C If a b B cross A dot C. to it will be equal to yoga. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द साइकिल रोटेशन तो ये देखो मैंने जैसे आपको बताया स्केलर ट्रिप्रोल प्रोडक्ट कैन बी रिटर्न एज ए बी सी तो इसको हम क्या लिखेंगे यहीं से ही आ रहा है देखो सी को इधर ले गए बी को इधर तो ए अपने आप अप इधर आ गया तो इसी को मैं बी सी ए लिख सकती हूँ और फिर से आप साइक्लिक रोटेशन कर दो तो सी ए बी सो दे आर ऑल इक्वल ठीक है ना अब आप देखो अगर मैं ये ब्रैकेट ना लगाती है क्रॉस बी डॉट सी और सिंपली ऐसे लिख देती इसका क्या मतलब है अब इस ब्रैकेट से तो आपको क्लियरली पता लगा कि आपने पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेना है वैक्टर प्रोडक्ट लेना है तो आंसर वैक्टर आएगा और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है सी के साथ लेकिन अगर ऐसे होता अब आप मुझे बताओ इसमें क्या पॉसिबिलिटी है इसमें यही पॉसिबिलिटी है कि या तो मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ करूं या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं पहले इनको मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ बट इन द सेकेंड केस अगर हम बी डॉट सी पहले ले लेंगे सो बी डॉट सी तो स्केलर प्रोडक्ट होता है तो योर आंसर विल बी स्केलर एंड एक स्केलर और एक वेक्टर का कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं हो सकता सो दैट विल बी मीनिंगलेस आई एम रिपीटिंग बी डॉट सी तो कोई स्केलर आ गया सपोज करो आपके पास आ गई बी डॉट सी की वैल्यू टू और यहाँ पे है वेक्टर ए सो वैक्टर ए क्रॉस टू डजेंट मेक्स एनी सेंस हम किसी वैक्टर को किसी स्केलर से सिम्पल मल्टीप्लाई करते हैं तो टू वैक्टर ए लिखते हैं एक वैक्टर क्रॉस स्केलर कभी नहीं लिखते हैं सो दैट मीन्स कि अगर मैं सोचूं कि मैं पहले बी डॉट सी करके फिर ए से मल्टीप्लाई करूँ दैट विल भी मीनिंग लेस सो दैट इज वाई दे आर सेंग सिंस ए क्रॉस बी डॉट सी एंड ए क्रॉस बी डॉट सी बोथ हैव सेम मीनिंग

so they are saying the products a dot b dot c and a dot b cross c are meaningless because a dot b is a scalar quantity तो so a dot b क्योंकि scalar quantity है तो so scalar का तो vector के साथ ना dot product हो सकते हैं और ना ही cross product हो सकता है now the unit vectors i j k अगर आप इनका scalar triple product लेते हो i j k का तो i cross j dot k i cross j होता है k k dot k so answer is always one सो so, इसका मतलब बेसिकली यही है कि अगर आप क्यूबॉइड ले लो ऑफ यूनिट लेंथ एलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तो वॉल्यूम ऑफ दैट विल बी डेफिनेटली वन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट सी विल हैव पॉजिटिव और नेगेटिव साइन अकॉर्डिंगली एज द वैक्टर्स ए बी सी फॉर्म अ राइट हैंडेड ट्राइड और अ लेफ्ट हैंडेड ट्राइड सो वही मतलब यह है कि ए क्रॉस बी करोगे अगर आप तो वो लेफ्ट ए क्रॉस बी कर रहे हो या बी क्रॉस ए कर रहे हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन उस पर डिपेंड करता है नाउ लेट अस सी इट्स प्रॉपर्टीज इफ एनी टू वेक्टर्स ऑफ ए बी सी आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी जीरो सो ये आपने हमेशा ध्यान रखना है कि देखो अगर यहाँ पे बी इज इक्वल टू ए हो जाता तो ए क्रॉस ए क्या होता है आई एम रिमेंबरिंग यू ए क्रॉस ए क्रॉस बी हमारे पास होता था वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इनटू गलत कर दिया एक मिनट ए क्रॉस बी हमने क्या था वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इनटू b बी मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर एन ये हमने डेफिनेशन की थी तो अगर तो हमने ये देखा था कि अगर सेम वेक्टर्स होते हैं हमारे पास जैसे कि आई क्रॉस आई होता तो क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल जीरो हैं तो साइन जीरो जीरो होता है तो आई क्रॉस आई हमेशा जीरो होता है सो सिमिलरली यहाँ पे अगर बी इज इक्वल टू ए आ जाएगा तो ये बन जाएगा ए क्रॉस ए डॉट सी सो ए क्रॉस ए इज ऑलवेज जीरो सो so, ये देखो दे आर सेइंग एजल टू बी इज इक्वल टू के से दैन ए बी सी स्केलर प्रोडक्ट विल बी के के सी दैट मीन्स के क्रॉस के डॉट सी सो के क्रॉस के इज़ जीरो तो ये जीरो तो अगर आप जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हो और उसमें दो वैक्टर्स पैरल हैं इक्वल हैं ये देखो ये पैरल के लिए रिजल्ट इक्वल ये होता है पैरल क्या होते हैं कि डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट हो सकता है तो मैग्नीट्यूड जो है वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वन वैक्टर होगा सो इफ वी इज इक्वल टू के ए दैट मीन्स द टू वैक्टर्स आर पैरल तो बी इज़ इक्वल टू के ए ये के तो एक नंबर है इसको बाहर लिख सकते हैं सो ए क्रॉस ही बचा फाइनली इट इज़ इक्वल टू जीरो सो इफ द टू वैक्टर्स आर आइदर पैरल और इक्वल देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो नाउ दिस थर्ड प्रॉपर्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आप देखोगे एग्जाम्पल्स में यूज़ होती है द थ्री नॉन ज़ीरो एंड नॉन पैरल वैक्टर्स ए बी सी आर को प्लेनर इफ एंड ओनली इफ देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ज़ीरो सो को प्लेनर वैक्टर्स के लिए कंडीशन अगेन क्या है दैट देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो को प्लेनर का मतलब क्या होता है इन द सेम प्लेन यहाँ पे देखो जब हमने पैरलेलोग्राम बनाया है ये तो वेक्टर ए एक्स एक्सिस भी ये वाई एक्सिस और ये जो हमने वेक्टर बी लिया है ये एक्चुअली अलोंग जेड एक्सिस लिया है तो दीज थ्री वर नॉन को प्लेनर वैक्टर्स नॉट इन द सेम प्लेन सो अगर हमारे वैक्टर्स ये जो तीनों वैक्टर्स हैं ये को प्लेनर होते हैं देन देर स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरोन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्स फॉर द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सिंस स्केलर एंडर प्रोडक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटिव सो वी हैव दैट फॉर थ्री नॉन जीरो वैक्टर्स ए बी सी सो ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी एंड ए क्रॉस बी प्लस सीज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी सो so, आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखने हैं इसमें और कुछ नहीं करना है ज़्यादा सो so, ये प्रूफ ही है प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है देन एक्सप्रेशन फॉर द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो अगर आपके पास ये एक वैक्टर ए है ये वैक्टर बी है और ये वैक्टर सी है तो आप ए क्रॉस बी निकाल लोगे ऐसे ये क्रॉस बी आ जाएगा और जब ए क्रॉस बी डॉट सी लेंगे तो इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास ठीक है और इस इसमें देखो क्या हो गया बेसिकली आई के जगह सी वन आ गया जे डॉट जे सी टू आ गया और के डॉट के वन तो सी थ्री आ गया यानी कि इसी में अगर मैं आई जे के की जगह सी वन सी टू सी थ्री लिख दूँ और यहाँ पे इंटरचेंजिंग कर दो इन दोनों रोज़ को इंटरचेंज कर दो पहले फिर यहाँ पे सी वन सी टू सी थ्री आएगा फिर से दोबारा इंटरचेंज कर दो तो ये बन जाएगा सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी फाउंड सिंपली बाय सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री तो जब भी आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है फाइन तो आप सिंपली क्या करोगे वेक्टर ए के कॉम्पोनेंट्स बी के और सी के एंड देन फाइंडिंग देयर डिटर्मिनेंट ठीक है सो so, ऐसे ही अगर बी सी ए का करना है या सी ए भी करना है सो so एकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा नाउ एक्सप्रेशन फॉर द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ एनी थ्री नॉन कोप्लेनर वैक्टर्स तो अगर आपको देखो यहाँ पे जब आपने वेक्टर लिया था तो ए वन ए टू ए थ्री वार द कॉम्पोनेंट्स आईजे के ठीक है यहाँ पे अब उन्होंने क्या किया है इन वैक्टर्स को वैक्टर्स की टर्म में ही एक्सप्रेस किया है मतलब यहाँ पे पी क्यू आर बी वैक्टर्स हैं सो लेट ए बी सी बी थ्री नॉन जीरो वैक्टर्स एंड लेट पी क्यू आर बी थ्री नॉन कोप्लेनर वैक्टर्स सच देट वैक्टर ए इज इक्वल टू दिस बी इज दिस एंड सी इज़ दिस अब जब आप बी क्रॉस सी फाइंड करोगे तो पी क्रॉस क्यू वाली टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी ना पी क्रॉस पी तो ज़ीरो हो गया पी क्रॉस क्यू वाली टर्म ऐसी ही रहेगी P क्रॉस R वाली टर्म्स ऐसी ही रहेंगी एंड देन आप उनका डॉट प्रोडक्ट ले लोगे एक के साथ तो उसको सॉल्व करके फाइनली यू आर गेटिंग ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू आर तो इफ ए बी सी आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इन टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू आर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करने से पहले एक बार हम एग्जाम्पल देखते हैं एक आधा देखो दे आर सेइंग फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स सो एज आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी सो वॉल्यूम ऑफ द पैलेलोपिपिड इज सिंपली द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी सो ए के कॉम्पोनेंट्स टू माइनस थ्री फोर बी के वन टू और माइनस वन और सी के थ्री माइनस वन टू सो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे नेगेटिव क्योंकि वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता तो वॉल्यूम ऑफ द पैलेल ओपिप इज इक्वल टू सेवन न्यूमेरिकली सिमिलरली सेकेंड आपको ए बी सी दिया हुआ है डिटर्मिनेंट फाइंड करके आपने वॉल्यूम निकाल लेना है सो नेक्स्ट टाइप के वैक्टर्स होते हैं दे आर सेइंग प्रूव दैट द फोर पॉइंट्स आर कोप्लेनर तो अब ये पॉइंट्स हैं सो so, पॉइंट्स का मतलब दिस इज दिस वैक्टर इज रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ए तो मैंने आपको बताया था ना इन द प्रीवियस वीडियो इसका मतलब ये वैक्टर ओ ए है ये वैक्टर ओ बी ओ सी एंड ओ डी अब हमें कोप्लेनर के लिए थ्री वैक्टर्स हमने अभी एक रिजल्ट किया दैट द थ्री वैक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर इफ देअर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो तो अब हम यहाँ से वैक्टर ए बी फाइंड करेंगे ए बी इज फाउंड बाय ओ बी माइनस ओ ए देन अब वैक्टर ए सी क्योंकि ए सी फाइन करोगे ओ सी माइनस ओ ए एंड ए डी फाइन करोगे ओ डी माइनस ओ ए तो ए बी ए सी और ए डी क्यू फाइंड किया ताकि इससे आपके पास जो थ्री एजिज बने वो टर्मिनेटिंग एजिज हों ऑल द थ्री एजिस आर टर्मिनेटिंग एट ए तो ए बी ए सी और ए डी करके आप तो को थ्री फैक्टर्स मिल गए अब आपने इस ए बी ए सी और तो, ए डी का फाइन करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो ए बी के कॉम्पोनेंट्स माइनस फोर माइनस सिक्स और माइनस टू ए सी के माइनस वन फोर और थ्री और ए डी के माइनस एट माइनस वन और थ्री आ गए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो आंसर जीरो आ गया द वैक्टर्स आर कोप्लेनर एंड हैंस द फोर गिवन पॉइंट्स आर कोप्लेनर नेक्स्ट शो दैट द वैक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर तो अब इसमें देखो इसमें वही बात हो गई ना कि आपको जो वेक्टर्स हैं ये भी वेक्टर्स की टर्म में गिवन है तो इसको एक वेक्टर का नाम दे दिया वेक्टर पी ये वेक्टर क्यू और वेक्टर आर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू टू माइनस वन थ्री वन वन माइनस टू एंड वन वन माइनस थ्री इन टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी सो जब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर माइनस थ्री आ रहा है नाउ वी आर गिवन दैट दिस इज नॉन जीरो दैट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो नॉन जीरो हैंस द वैक्टर्स पी क्यू आर आर नॉन कोप्लेनर सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है इफ़ ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स दैन द ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द टाइप ए क्रॉस बी क्रॉस सी विच गिव्स अ वेक्टर क्वान्टिटी इज़ कॉल्ड वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वैक्टर्स ए बी सी सो ये टू प्रूव बोला इन्होंने प्रूफ करने की आपको जरूरत नहीं है आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज़ इक्वल टू देखो ए का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ तो जब आप ए का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ लोगे तो कुछ आपके पास एक स्केलर आएगा मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी तो इसीलिए यहाँ पे ना डॉट आया है ना क्रॉस आया है मतलब दिस विल बी समथिंग ऑफ द टाइप टू टाइम्स वेक्टर बी कि सपोज करो ए डॉट सी आपका टू आ गया सो टू टाइम्स वेक्टर बी माइनस फिर ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ इन टू वैक्टर सी सो रिज़ल्ट इज़ इम्पोर्टेंट प्रूफ हमें करने की ज़रूरत नहीं है अब जब हमने फाइंड करना होता है तो हम कैसे फाइंड करते हैं लेट दिस बी वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी तो पहले हमने बी क्रॉस सी फाइंड किया सो so, जब आप बी क्रॉस सी फाइंड करोगे तो आई जे के बी के कॉम्पोनेंट सी के कॉम्पोनेंट सी एक वेक्टर आ गया अब इसका फिर से क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ए के साथ तो आई जे के ए के फैक्टर कॉम्पोनेन्ट्स और बी क्रॉस सी के कॉम्पोनेंट्स एंड देन अगेन सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट तो इसको सॉल्व करके आपका ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी बन जाता है सो so, ये समेशन का मतलब क्या होता है जब हम लिखते हैं समेशन ए वन आई कैप मतलब समेशन मीन्स ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप ऐसे ही सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप सो यहाँ पे भी समेशन का मतलब क्या है इन्होंने सिर्फ आई वाली टर्म्स का कैलकुलेट कर लिया तो प्लस जहाँ पे वन है वहाँ टू आ जाएगा जहाँ टू है वहाँ थ्री और जहाँ थ्री है वहाँ वन सो प्लस करके सेकेंड टर्म जे कैप एंड अगेन प्लस करके ऐसी रिप्लेसमेंट्स करके के कैप ये मीनिंग होता है इसका सो रिजल्ट इज इम्पॉर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर एंड दिस इज़ द वे हाउ यू हैव टू फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट तो आप देख रहे हो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो एक वेक्टर आ रहा है सॉल्व करके इसके बाद हमारे पास आ जाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज़ नॉट एसोसिएटिव तो देखो अगर मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी कर रही हूँ तो आंसर आ रहा है ए डॉट सी वैक्टर बी माइनस ए डॉट बी वैक्टर सी ऑन द अदर हैंड अगर मैंने पहले ए क्रॉस बी करके क्रॉस सी किया तो क्रॉस प्रोडक्ट को चेंज करेंगे तो ये बना माइनस ऑफ सी क्रॉस ए क्रॉस बी तो ये बनेगा सी डॉट बी वेक्टर सी डॉट ए वेक्टर बी और सी डॉट ए वैक्टर बी माइनस अंदर ले गए माइनस सी डॉट बी आंसर है वो बी और सी की टर्म्स में आ रहा है और जबकि यहाँ पे आपका आंसर बी और ए की टर्म्स में आ रहा है सो क्लियरली दे आर नॉट इक्वल एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव नेक्स्ट इज क्वाड्रपल प्रोडक्ट क्वार्रपल प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फोर वैक्टर्स अगेन अगर आंसर स्केलर है तो स्केलर क्वाड्रपल प्रोडक्ट वेक्टर है तो वेक्टर क्वाड्रपल प्रोडक्ट तो ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी इन दोनों के बीच में अगर आप डॉट लगा दोगे तो आपके पास आएगा स्केलर आंसर सो स्केलर क्वाड्रपल प्रोडक्ट और ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी के बीच में क्रॉस लगा दोगे तो आंसर वैक्टर आएगा एंड ये बन जाएगा वैक्टर क्वाड्रपल प्रोडक्ट सो स्केलर क्वाड्रपल प्रोडक्ट के लिए आपने बस क्या ध्यान रखना है ये ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी विल बी इक्वल टू ए डॉट सी ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस पहले देखो ए का सी के साथ किया तो ये हुआ दूसरी बार बी को सी के साथ किया तो बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी ठीक है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्वाड्रेपल प्रोडक्ट में क्या बोला है उसने कि अगर मुझे ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी निकालना है तो ए बी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनटू वेक्टर सी पहले ए बी डी वेक्टर सी बाहर माइनस फिर ए बी सी वेक्टर डी बाहर और ए सी डी तो वेक्टर बी बाहर माइनस बी सी डी देन वेक्टर ए बाहर सो ये प्रूफ्स आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है सिर्फ रिजल्ट याद रखने हैं आपने सो इसके बाद एग्जांपल्स हैं थर्ड एग्जांपल देखते हैं प्रूव दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी बी प्लस सी एंड सी प्लस ए इज इक्वल टू टू टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी तो a प्लस b b प्लस c c प्लस a का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे मतलब a प्लस b डॉट b प्लस c क्रॉस c प्लस a अब यहाँ पे सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है तो b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a फिर प्लस c क्रॉस c प्लस c क्रॉस a सिंपली जैसे आप दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हो ना अगर आपको a प्लस b इनटू c प्लस d क तो ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी तो वही है बट बीच में क्रॉस प्रोडक्ट्स आएंगे अब इनमें से ये जो सी क्रॉस सी है ये तो डेफ़िनेटली जीरो हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने इसको ज़ीरो कर दिया अब ए प्लस बी डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो इस पर लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सो ए डॉट बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी डॉट बी क्रॉ से प्लस ए प्लस बी डॉट सी अब अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सो ए डॉट बी करॉस सी आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो नहीं भी लगाओगे तो कोई बात नहीं बट अगर लगा लोगे ना तो आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा सो ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी करॉस सी फिर प्लस ए डॉट बी करॉ से प्लस बी डॉट बी करॉ से प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉ से तो ये बन गया ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये बना बी बी सी का ये ए बी ए बी बी ए सी ए एंड बी सी ए अब अगर दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ज़ीरो तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे ये सेम है जीरो ये भी जीरो और ये भी जीरो सो वी आर लेफ्ट विद ए बी सी एंड बी सी ए अब ये देखो बी सी ए में अगर मैं साइक्लिक रोटेशन करूँ तो यहाँ बनेगा सी ए बी और फिर से साइक्लिक रोटेशन करूँ तो ए बी सी तो यानी कि दिस इज इक्वल टू ए बी सी सो दिस इज इक्वल टू टू टाइम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी सो so, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं नेक्स्ट है शो दैट ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी सो अगेन वेरी इजी ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए नाओ बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए के लिए दे आर सेट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू इसको उन्होंने सिर्फ पी बोल दिया तो ये बन गया पी क्रॉस सी क्रॉस ए नाओ दिस कैन बी रिटर्न है पी डॉट ए वैक्टर सी माइनस पी डॉट सी वैक्टर ए आप पी की वैल्यू पुट कर दी पी की वैल्यू इज बी क्रॉस सी सो बी क्रॉस सी डॉट ए माइनस बी क्रॉस सी डॉट सी तो ये बन गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए और ये बी सी सी तो ये हो जाएगा ज़ीरो एंड बी सी ए कैन बी रिटर्न एज ए सी तो ये वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व करके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय सी आ गया तो अब इसको यहाँ पुट करेंगे हमारे पास था ए करॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए तो इसका इसकी जगह बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए की जगह आ गया ये ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी सो दिस इज इक्वल टू अब देखो ये तो एक नंबर है स्केलर नंबर तो ये तो बाहर आ गया दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इंटू ए क्रॉस बी डॉट सी इसका मतलब फिर से ये ए बी सी बन गया सो दिस इज इक्वल टू ए बी सी का स्केलर प्रोडक्ट का स्क्वायर। सो ऐसे ही इसमें आगे है एग्जाम्पल नंबर सिक्स नाउ आई वॉन्ट कि ये एग्जाम्पल नंबर सिक्स आप खुद रीड करो स्टेप बाय स्टेप और अगर आपको कहीं पे नहीं समझ आएगा तो आप पूछ लेना मुझसे देन एग्जाम्पल नंबर सेवन है ये भी आपको खुद करना है देन दिस इज एग्ज़ाम्पल नंबर एट नाइन एंड टेन जस्ट गो थ्रू देम टिक रीडिंग दो इनको एग्जाम्पल एट में वैक्टर ए और बी दिए हुए हैं आपको ए डॉट बी एंड ए क्रॉस भी फाइन करना है एग्जाम्पल नाइन में आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स फाइन करनी है देन एग्ज़ाम्पल टेन में सो दिस एग्जाम्पल इज़ रिलेटेड विद योर सम केमिस्ट्री का कोई टॉपिक है मुझे लगता है एंड उसमें यूज़ उन्होंने वैक्टर्स को किया है सो so, ये आपके एग्जाम्पल टेन का सॉल्यूशन है So, you can see the example, 10. and then this is your first exercise. And these are the other questions of the exercise. सो so, यहाँ से एक्सरसाइज आपने ट्राई करनी है एग्जाम्पल्स पढ़ लेना जो नहीं कुछ समझ आएगा तो फिर यू कैन आस्क मी